बी यूनाइटेड बी थानसा। मेरा यही एक मैसेज था। पार्टी से बड़ा जाति है, और अगर हम लोग एक आवाज़ में, हम लोग अपने कम्युनिटी के हित में, अपने कम्युनिटी के इंटरेस्ट के बारे बात करें, तो ये हम सबका लिए अच्छा होगा। मैंने विद्युत का स्टेटमेंट देखा, आई वेलकम इट। अगर कोई हमारे कम्युनिटी के वेलफेयर के बारे पहले बोलता है और पार्टी के बारे बाद में बोलता है, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। जहाँ मैं कोई कम्युनिटी के थानसा के बारे बात करे, मैं उसको वेलकम करता हूँ। मैंने जो कहा है वो मैं करूँगा। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियस है, तो हमारे भविष्य के लिए, अगर आप सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, तो आप 30% पॉपुलेशन, 70% ज्योग्राफिकल एरिया को इग्नोर करके सबका साथ सबका विकास नहीं कर सकते। एक साल से हम लोग वेट कर रहे हैं। मैं 10-11 दिन दिल्ली में बैठा रहा। अगर आप सीरियस हैं तो बात कीजिए, अगर सीरियस नहीं है तो हम अपना रास्ता खुद चुनेंगे। लेकिन कम्युनिटी को कुछ देना पड़ेगा। नेता को कुछ मिले, कम्युनिटी को कुछ नहीं मिले, ये होगा नहीं। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। आई हैव अगेन सेड, आप प्रार्थना कीजिए, प्रे कीजिए, महाराज के लिए नहीं, कि हमें कुछ मिले। हमने हमेशा तिपरासा कम्युनिटी को हमेशा साइडलाइन करके हमें डेवलपमेंट नहीं दिया गया। TTAGC में उस दिन सब जोनल का जब मैंने लाइन देखा, कष्ट मुझे हुआ। 27,000 लोगों ने 100 नौकरी के लिए अप्लाई किया, 110 नौकरी के लिए। कितना बेरोज़गारी है। अगर हम लोग गरीब रहेंगे तो हमारा बच्चा का शिक्षा कैसे मिलेगा। आज हम लोग हानि भुसा होके भी भूमिहीन हैं। अगर नेशनल हाईवे बनता है, रोड वाइडनिंग होता है, कहीं में कोई प्रोजेक्ट आता है, तो हमें कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, क्योंकि हमारे नाम में ज़मीन रजिस्टर्ड नहीं है। ये कौन सी नॉर्थ ईस्ट में जगह है जहाँ में इंडिजिनस पीपल को अपने ही ज़मीन में परमिशन चाहिए अपना घर बनाने के लिए, कॉम्पनसेशन के लिए। तो ये सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। सब लोग टेक्निकल पॉइंट में जाते हैं, मुझे प्रैक्टिकल पॉइंट देखना है कि हम अपने बच्चे का भविष्य कैसा ठीक करें। पॉलिटिकली आप देखेंगे कि हम लोगों का पॉलिटिकल राइट्स क्या है, कुछ नहीं। और कोई अगर त्रिपुरा को आइडेंटिफाई करता है, तो महाराजा सन ऑफ द सॉयल तिपरासा होकर आइडेंटिफाई करता है। लेकिन हमें क्या मिला है? आज अगर टूरिज्म को प्रमोट करना है, तो नीर महल, उजैंता पैलेस, माताबारी किसने बनाया? वो हमारे पूर्वजों ने बनाया, हमारे लोगों ने बनाया। लेकिन पैसा कौन कमा रहा है? 86 से बाहर स्टेट गवर्नमेंट कमा रहा है, उसका कुछ शेयर तो हमारे पास आना चाहिए। ONGC, गेल, ऑयल इंडिया एक्सप्लोरेशन करता है, हमको कितना परसेंट मिलता है? 30%, जबकि 100% एक्सप्लोरेशन हमारे एरिया में होता है। आज अगर EDC का बजट सिर्फ 2% स्टेट बजट का है, जबकि 35% लोग EDC एरिया के अंदर रहते हैं, तो ये इंसाफी है या ना इंसाफी है? ये सब चीज़ हमको सोचना पड़ेगा, और हमें अपने कम्युनिटी के बारे पहले बात करना पड़ेगा। जिस दिन कम्युनिटी पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और लैंड वाइज सिक्योर होगा, तभी हम बराबर होकर बात कर सकेंगे। आज हम लोग नहीं डिमांड कर रहे हैं किसी का सिंपैथी, आज हम डिमांड कर रहे हैं हमारा अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अगर कोई सीरियस है तो बात करे। अगर सिर्फ आपको पॉलिटिक्स ही करना है और आप सीरियस नहीं हैं, तो थैंक यू वेरी मच, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जवाब उनके कोर्ट में है। अगर वो देंगे तो हम जाएंगे, अगर नहीं देंगे तो इतने साल अकेला लड़ा है, अकेले ही लड़ेंगे। लेकिन कम्युनिटी को इस बार कुछ ना कुछ तो देना है, और वो भी राइटिंग में देना है। सिर्फ मुंह बोलने से कुछ नहीं होगा, आप राइटिंग में कुछ दीजिए, हम 100% विचार करेंगे। राइटिंग में नहीं देंगे तो क्या गारंटी है कि कल फिर से हमारे संग थकाई ना हो? ये मेरा मैसेज पूरे तिपरासा को है, ना कि सिर्फ तिपरा मोथा को, IPFT को है, BJP जनजाति मोर्चा को है, ST सेल को है।
आप पॉलिटिक्स इस बार मत कीजिए, मैं सबके लिए कुछ चाहता हूँ, पार्टी के लिए नहीं, जाति के लिए। बेलाय बेलाय नो हम बाय, गॉड ब्लेस दी प्रसाद दोफा खुलुंखा।